सो स्टूडेंट्स वी हैव सम क्वेश्चंस हियर, ठीक है, ऑन व्हाट डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी हम कोई प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, अभी हम आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो ये बेसिक प्रॉपर्टी ऐसे ही थी जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, अब जो इस चैप्टर में ख़ास तौर पर कुछ प्रॉपर्टीज़ डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिस कर लेते हैं दोबारा से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जब डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज होता है तो जो लिमिट्स हैं वो कैसे अप्लाई करनी है। क्लियर बच्चों, लिमिट्स को कैसे अप्लाई करना है ये आप यहाँ पे सीख जाएंगे आराम आराम से, और थोड़ा सा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की भी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, इन्हें जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ऑल राइट, तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया गया है, 3 to 8 साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x dx। ठीक है बच्चों, ओके, अब हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम, देखो बताओ एकदम साफ दिख रहा है वैसे, 1 + x को t मान लेना चाहिए या t स्क्वायर मान लो 1 + x को, या स्क्वायर रूट ऑफ x को क्या मान लो t। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ x को t मान लिया, और मुझे पता है जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ x टाइप में तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा कुछ आता है, सॉरी 1/2 √x, मतलब रूट x नीचे आ जाता है, इंटीग्रेशन नहीं सॉरी डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज का डिफ्रेंसिएशन ये बन जाएगा, ये मेरे लिए बेनिफिशियल चीज है। ऑल राइट, तो मैंने इसको हटा दिया और मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x को t पुट किया, क्या आएगा 1/2। अब ये चीज तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, वैसे इंटीग्रेशन पूरा पढ़ चुके हैं हम। ऑल राइट, तुम्हें पता चल रहा होगा dx एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x को क्या लिख लेंगे, 2 times of dt। ऑल राइट, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है समझिएगा। ठीक है, यहां तक तो बात समझ आ गई कि मैंने क्या किया, यहां पे रख दिया t sin t, ऐसे कर लेते हैं, ये दिख दिया मैंने sin t, और dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x की जगह मैंने क्या रख दिया, 2 times of dt बच्चों। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जब भी कभी आप ऐसा करें तो लिमिट्स भी चेंज करनी होती हैं अकॉर्डिंगली। कुछ लोग क्या करेंगे, अब इसी लिमिट को यहां पे लगा देंगे 3 से 8। भाई बात को समझो, बात को ये समझो कि यहां पे वेरिएबल कौन था, एक्स, जो स्मॉल एलिमेंट था वो कौन था, डी एक्स। क्लियर है ना, ठीक है, तो एक्स कहां से कहां तक मूव कर रहा था, 3 से 8, लेकिन अब कौन है, डी टी। तो अब आप किसकी लिमिट लगाओगे, टी की, ये बात याद रखें, एक्स की मत लगा देना यहां पे, क्या टी की लिमिट लगेंगी अब यहां पे। कैसे, देखो यहां से यूजिंग दिस, एक्स को ये पुट करो, जब एक्स 3 होगा तो टी कितना होगा, ऑब्वियसली 2, जब एक्स 8 होगा तो टी कितना होगा, ऑब्वियसली 3 होगा क्या, नहीं, 8 रख के देखो, 8 + 1 = 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 = 3। तो ऐसे करके जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया है ना उसमें x की लोअर लिमिट डालो और t की लोअर लिमिट प्राप्त कर लो, x की अपर लिमिट डालो और t की भी अपर लिमिट प्राप्त कर लो। क्लियर है मेरी बात, तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया और यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज कर दी। ये स्टेप में गलती होती है, बार बार बोल रहा हूँ, हम क्या करते हैं इसी लिमिट को यहाँ पे रख देते हैं, ये बात याद रखेंगे, 2 से 3 sin t dt क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस टी, एंड 2 से 3 माइनस ऑफ कॉस टी, तो लो फिर आ गए, माइनस बाहर ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, cos 3 - cos 2 बच्चों, cos 3 - cos 2 आंसर, ये मेरा आंसर है। ठीक है, समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, नेक्स्ट कुछ ऐसा है, 0 से π/4 एंड cos 2x स्क्वायर रूट ऑफ 4 - sin 2x। क्लियर, cos 2x एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 - sin 2x, तो क्या करना चाहिए, समझ आ रहा होगा,
भाई ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है इसका डिफरेंशिएशन है ये। तो मैंने कहा 4 माइनस साइन 2x को भाई टी स्क्वायर मान लो, करते हैं ऐसे ही स्क्वायर रूट को हटाने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2cos 2x dx इक्वल टू 2t dt, दैट इज cos 2x dx इज नथिंग बट -of t dt। और यहाँ पे dx तो हो गई ऑब्वियसली, तो cos 2x into dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -of t dt, और ये √t² दैट इज t। तो t इंटू इंटू क्या, t इंटू -of t dt, सिंपल। ठीक है, अब लिमिट भी तो चेंज करनी है, तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, जीरो पुट करो k आएगा, t² = 4, मतलब t इक्वल टू कितना, 2। बात को समझिएगा, ठीक है। अब क्या करो, पाई बाय 4 पुट करो, तो पाई बाय 4 जब यहाँ रखोगे तो sin π/2 दैट इज 1, और ये 4 माइनस 1 3, यहाँ लिख दिया मैंने √3। ठीक है, √3 आ गया, मतलब 2 से √3, नो प्रॉब्लम। तो अब इसका इंटीग्रेशन किया, माइनस ये चलो लिख के दिखा देता हूँ, √3 एंड t² dt, ये इसके इक्वल हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, t³/3 एंड 2√3, तो माइनस को बाहर रखा, अब √3 को अगर यहाँ रख दूँ तो कितना हो जाएगा, अच्छा 1/3 बाहर ले लो, ऐसा करूँ -1/3 बाहर है। अब t³ में √3 रखूंगा और 2 रखूंगा, तो √3 रखूंगा तो ये आएगा 3/2, माइनस माइनस आएगा 8, माइनस कितना आ गया 8, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये तो तुम्हें निकालना है। ऑल राइट, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। देखो स्क्वायर रूट 3 की पावर 3/2 है, नहीं एक मिनट एक मिनट, हाँ सही है, पॉजिटिव ही होगा। देखो 3 की पावर 3/2, तो 3 की पावर 3 को अलग लिख लो, 1/2 बाहर लिख लो, तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। अब 27 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ऑब्वियसली 8 से तो छोटा ही होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, तो 27 का स्क्वायर रूट 8 से तो छोटा ही होगा, 5 से बड़ा होगा, 6 से भी छोटा होगा, 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, तो 5 और 6 के बीच की एक क्वांटिटी -8 नेगेटिव आएगा, बाहर भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। ऑल राइट बच्चों, ये बात ध्यान रखें, और इस मेरे ख्याल से ये लिमिट्स को कैसे एडजस्ट करना है ये तुम्हें समझ आ गया होगा, क्लियर। ओके, एक दूसरी चीज़ देखो, देखो यहाँ पे जैसे t² = कितना था, ध्यान से देखिएगा, जब x को 0 पुट किया है ना, x को 0 पुट किया तो t² कितना आएगा, एक मिनट लेट मी थिंक, x को 0 पुट किया तो t² आया 4, क्या आया t² 4। ओके, अब ध्यान से देखो, तो t को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना कि +-2, t को क्या बोल सकता हूं, +-2, तो -2 भी तो बोल सकता था, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जब x को मैंने 0 पुट किया तो t² आया 4, और t की वैल्यू क्या आएगी, +-2, तो मैंने 2 क्यों ली, -2 क्यों नहीं ली, ठीक है, मैंने 2 क्यों लिया, -2 क्यों नहीं लिया। तो एक्चुअल में इसका रीजन मैं बता देता हूं कि ये चीज जस्ट हमने लिख दी है, ये आई कहां से है, ये ऐसे आई है 4 - sin 2x से, मैंने क्या किया था, √4 - sin 2x को t माना था, फिर इस दोनों की स्क्वायरिंग की बोथ साइड, तो ये इसमें चेंज हुआ। ठीक है, अब यहां पे देखो √4 - sin 2x इज इक्वल टू टी, देन टी शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि द आउटपुट ऑफ स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑल राइट, बात क्लियर है या नहीं, ठीक है समझ गए। ओके, तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होना चाहिए। अगर फिर भी किसी के दिमाग में आ रहा है, नहीं मैं तो ऐसे लेट ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो ऐसे ही लेट करूंगा, मैं तो t² लेट करूंगा उसको, ठीक है तो कर लो भाई,
कर लो। अब डिपेंड कर जाएगा, देखो जब टी स्क्वायर आप इसके अंदर पुट करोगे तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, एंड स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर होता है मॉड ऑफ टी, क्या मॉड्यूलस ऑफ टी। अब ये मॉड्यूलस ऑफ टी टी होगा या माइनस टी होगा ये तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है टी की वैल्यू पर। तो जैसे आप वैल्यू लोगे उसी हिसाब से साइन एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। तो द बेटर वे इज हमेशा इस चीज को ऐसे देखा करें, ये कंफ्यूजन नहीं आएगी कि ये जो स्टेप आता है ना वो यहां से आता है। आप ये स्टेप जब लिखते हो ना कभी भी कि अच्छा अंदर वाले को टी स्क्वायर, तो इससे बढ़िया है पूरे को टी फिर उसकी स्क्वायरिंग, ऐसे करके दिमाग में रखो तो कंफ्यूजन नहीं आएगी, अदरवाइज कंफ्यूज हो सकते हो। वो कंफ्यूजन मैंने बताई दी है तुम्हें कि भाई नेगेटिव लोगे तो यहां पे मॉड टी है तो वो माइनस टी की तरह खुलेगा, पॉजिटिव लोगे तो वो टी की तरह खुलेगा, तो वो तो अकॉर्डिंगली बातें उस टाइप से ही कन्वर्ट हो जाएंगी। ऑल राइट बच्चों, ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। तो तुम्हें हमेशा ऐसे ही लेना है पॉजिटिव, जब भी स्क्वायर रूट में आप टी स्क्वायर पुट करो तो एक्चुअल में उसे ऐसे ट्रीट किया करो, और जब इसको ऐसे लिखोगे ना तो अपने आप दिमाग में आंसर आ जाएगा कि भाई स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियसली टी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तो आप अपने आप पॉजिटिव चीज को ही सिलेक्ट करोगे। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीटली आपको समझ आ गया होगा क्या होता है क्या नहीं। ऑल राइट, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज दिस, ये क्या है, जीरो से वन माइनस ई की पावर माइनस टू, ऐसा ही है e की पावर माइनस टू। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है और दिया है ln 1 माइनस t एंड 1 माइनस t dt। तो ये तो सभी को मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा कि ln 1 माइनस t का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो होगा माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस t। मेरे ख्याल से समझ आ रही होगी बात, नहीं आ रही तो देखो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ ln x डिवाइडेड बाय x dx क्या होता है, क्या करते हैं हम, मैं करता हूं कि ln x को t लेट कर लेता हूं, सही है ना, ln x को t लेट कर लेता हूं, उसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x है हमारे पास, तो बात ही खत्म, बहुत इजीली आंसर आ जाता है। तो बस ऐसे ही सोचा मैंने और मैंने क्या किया, ln ऑफ 1 माइनस t को इस बार x पुट कर लिया, क्योंकि t का फंक्शन है ना तो x लेना पड़ेगा, x का होता है टी लेट करता या कुछ भी मन होता है वो, तो नाम तो कुछ भी रख सकते हो, x रख लो, z रख लो, कुछ भी रख लो। तो अब मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये आएगा माइनस ऑफ 1 माइनस टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, क्लियर। ओके, तो तुम्हें समझ आ रहा होगा डी टी अपॉन 1 माइनस टी को मैं लिख पाऊंगा माइनस ऑफ डी एक्स, और इसको लिखूंगा t, तो t माइनस बाहर ले लिया, सॉरी x, t नहीं x, इसको लिखूंगा पूरे को x और इसको लिखूंगा माइनस डी एक्स, ये आ गया मेरा। अब लिमिट्स पे वर्कआउट करते हैं थोड़ा सा, जीरो पुट करो t की जगह तो ln 1 वो भी जीरो ही होता है। अब क्या करो, ये पुट करो 1 माइनस ई की पावर माइनस टू, इसमें पुट करो, वन से वन कटेगा और e की पावर माइनस टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस टू, तो द अपर लिमिट इज माइनस टू, क्लियर बच्चों। ध्यान से देखो ये है जीरो से माइनस टू, ना कि माइनस टू से जीरो, तो याद रखें ऐसा हो सकता है, बड़े से छोटे की ओर भी जा सकती है लिमिट, बताया है स्टार्टिंग में, ठीक है, बड़े से छोटे की ओर भी जा सकती है लिमिट, उन केसेस में क्या होता है वो मैंने तुम्हें बताया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वैल्यू नेगेटिव आती है जब बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आती है, नहीं, वो नेगेटिव तब आती है जब ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर हो, अगर ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है और बड़े से छोटे की ओर जा रहे हो तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ऑल राइट, तो ये डिपेंड करता है वो, तो चलिए यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है सबको, बस अब सॉल्व करना है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा और जीरो से माइनस टू, क्लियर है मेरी बात, माइनस को बाहर रखा और ये कितना होगा 4 बाई टू माइनस जीरो, दैट इज माइनस टू आ गया बच्चों, क्या आ गया माइनस ऑफ टू। ऑल राइट, ठीक है, तो आंसर आ गया माइनस टू, इसका मतलब देखो सबसे पहले तो
वन माइनस ई की पावर माइनस टू, ये कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? वन माइनस ई की पावर माइनस टू है तो पॉजिटिव है, वन से छोटी है जीरो से बड़ी है, तो मतलब छोटे से बड़े की ओर जा रहे थे हम, क्या छोटे से छोटी लिमिट से बड़ी नंबर की ओर जा रहे थे हम, ओके और आंसर कैसा आया, नेगेटिव आया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के नीचे होगा, क्या ये बोलना सही है, जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के नीचे होगा? देखो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि इस लिमिट में ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे ही हो, लेकिन हाँ मेन पोर्शन, बड़े वाला पोर्शन ऑफ ग्राफ विल लाई व्हाट, एक मिनट रुको, एम आई राइट और रॉन्ग, जीरो टू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टू, ओके एंड दिस इज व्हाट, पॉजिटिव थिंग राइट, ओके और ये जीरो टू, हाँ ठीक है ठीक है, तो ठीक है क्या मैं छोटे नंबर से बड़े की ओर जा रहा हूँ, दैट मीन्स व्हाट, छोटे से बड़े पे जा रहा हूँ और वैल्यू आ रही है नेगेटिव, दैट मीन्स द ग्राफ विल लाई बिलो द एक्स एक्सिस, ऑल राइट व्हाट, बिलो द एक्स एक्सिस, ये बात सही है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि फंक्शन का जो मेन पोर्शन होगा वो बिलो द एक्स एक्सिस होगा, मतलब जो ग्राफ होगा आई डोंट नो कैसा होगा, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि भाई जीरो से ये मान लो ये है वन माइनस ई की पावर माइनस टू, तो ऊपर भी हो सकता है लेकिन मेन पोर्शन जो है वो नीचे है, मतलब इसका एरिया आएगा फिर ये आएगा और ये वाला एरिया आएगा आंसर में, अब ये तो कम है और ये ज़्यादा है तो नेगेटिव वाला ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ओवरऑल मिलके नेगेटिव वाला ज़्यादा आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ जो मेन पोर्शन है वो नेगेटिव साइड में होगा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बिल्कुल एकदम प्रॉपर नेगेटिव में होगा, ऑल राइट हाँ, लेकिन मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मैं छोटी लिमिट से बड़ी लिमिट पे जा रहा हूँ और ग्राफ प्रॉपर बिलो द एक्स एक्सिस है तो आंसर पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव आएगा, क्योंकि छोटी से बड़ी पे जा रहा हूँ और बड़ी से छोटी पे जाऊँ तो पॉजिटिव आएगा, तो इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बनाए रखो और कुछ नहीं है, बहुत ईजी सी चीज़ है, शुरुआत के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए हैं, ऑल राइट तो इन क्वेश्चंस को जल्दी से उतारो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, ये क्या है, जीरो से वन साइन इनवर्स एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऑल राइट तो ऑब्वियसली सबको दिख रहा है साइन इनवर्स एक्स को टी लेट करना है क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे है हमारे पास, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये आ गया डी एक्स एंड डी टी और ये जस्ट टी और ये डी टी, ऑल राइट डी एक्स अपॉन दिस इज इक्वल टू डी टी एंड साइन इनवर्स एक्स को टी पुट किया है तो ये आ गया टी डी टी, अब अपर और लोअर लिमिट देख लेते हैं, जीरो डालोगे तो बेटा जीरो आएगा, वन डालोगे साइन इनवर्स वन कितना होता है पाई बाई टू होता है, पाई बाई टू आ गया, क्लियर है साइन इनवर्स वन कितना पाई बाई टू, तो ये आ गया अपना टी स्क्वायर बाई टू एंड जीरो टू पाई बाई टू, ये आ गया पाई स्क्वायर बाई एट आंसर, क्लियर पाई स्क्वायर बाई एट इसका आंसर आ गया, वेरी इजी, चलो नेक्स्ट पे आओ जल्दी भाई, ये है अल्फा से बीटा डी एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा एंड बीटा माइनस एक्स, ऑल राइट तो सब बहुत अच्छे जानते हैं ऐसे में क्या करते हैं जब इस टाइप का हो कुछ कि एक्स माइनस अल्फा एंड बीटा माइनस एक्स, ठीक है इसमें क्या सब्सटीट्यूशन होता है, इसमें सब्सटीट्यूशन होता है एक्स कॉस स्क्वायर थीटा और बीटा साइन स्क्वायर थीटा, या इसे साइन स्क्वायर थीटा लिख लो इसे कॉस लिख लो, मतलब दोनों एप्लीकेबल है इसलिए मिटा के लिखा लिख के दिखा रहा हूँ, कोई भी ले लो कोई टेंशन नहीं है, ओके अब देखो अगर एक्स को मैं ये पुट करूँगा और यहाँ पे वेरिएबल कौन है थीटा, थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैंने कहा डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो ये आएगा अल्फा, ये आएगा साइन टू थीटा, कॉस वो साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंसिएशन होता है साइन टू थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है माइनस साइन टू थीटा, साइन टू थीटा ये अल्फा को यहीं पे रखो, ठीक है तो डी एक्स इज नथिंग बट अल्फा माइनस बीटा, ऑल राइट अल्फा माइनस बीटा साइन टू थीटा एंड डी थीटा,
इधर डी थीटा भी आएगा। ऑल राइट बच्चों, क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अब देखिए, अब आ जाते हैं यहां पे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा पे, फिर सॉल्व करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x माइनस अल्फा जब मैं करूंगा, x माइनस अल्फा, चलो पहले x माइनस अल्फा ही निकालते हैं सिर्फ, ठीक है, लो x माइनस अल्फा, तो x क्या है, अल्फा साइन स्क्वायर थीटा और बीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस अल्फा। तो अब देखो बीटा कॉस स्क्वायर थीटा को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, और इसमें से माइनस अल्फा कॉमन लिया, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा बीटा माइनस अल्फा, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर बीटा, सॉरी थीटा, यहाँ बीटा नहीं थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे, बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। ऑल राइट, ओके, अच्छा बीटा माइनस एक्स क्या होगा, तो देख लो बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा एंड बीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो, इसमें से बीटा अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बनेगा बीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, इट कैन बी रिटन एज बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बच्चों। ऑल राइट, अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स का, ये आएगा बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ओके, अब देखिए मैंने पुट कर दिया, मैंने यहां पे पुट करने जा रहा हूं, मैं पहले dx की वैल्यू पुट की, दैट इज अल्फा माइनस बीटा साइन टू थीटा एंड डी थीटा अपॉन अपॉन में x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स को स्क्वायर रूट में फिट कर रहा हूं, तो ये आएगा देखो बीटा माइनस अल्फा एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो जब स्क्वायर रूट लूंगा मैं इसका बीटा माइनस अल्फा के होल स्क्वायर का, तो वो आएगा मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, मतलब पॉजिटिव, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए बीटा माइनस बीटा अल्फा से बड़ा है या अल्फा बीटा से बड़ा है, ठीक है, मॉड हटाने के लिए। तो उसने मेंशन कर दिया है बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर रूट बीटा माइनस अल्फा ही आएगा। अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा होता तो अल्फा माइनस बीटा आता। ऑल राइट, चलिए ऊपर क्या है अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस तो बाहर एडजस्ट हो जाएगा, टू से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस तो बाहर ये कट गया, माइनस बाहर एडजस्ट हो गया, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की तो ये बनेगा साइन टू थीटा, जिससे साइन टू थीटा कट जाएगा और यहां पे आ जाएगा दिस। क्लियर बच्चों? अच्छा यहां तक तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन लिमिट की तो बात ही नहीं की, लिमिट्स कैसे निकालें, तो बहुत इजी है। देखो लिमिट क्या है, अल्फा से बीटा, तो एक्स को अगर मैं अल्फा पुट कर दूं तो थीटा क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है थीटा शुड बी पाई बाई टू व्हेन एक्स इज अल्फा, ये लिमिट किसकी है, एक्स की, हमें चाहिए किसकी, थीटा की, क्योंकि थीटा में आ रहा है। तो मैंने कहा एक्स को अगर मैं अल्फा पुट कर दूं तो यहां से ऑब्जर्व करो कि थीटा क्या होना चाहिए, तो थीटा शुड बी पाई बाई टू। ऑल राइट, लो अच्छा एक्स को अगर बीटा पुट कर दूं तो थीटा क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली जीरो, लो जीरो से पाई बाई टू, तो मैंने कहा सॉरी पाई बाई टू से जीरो, पाई बाई टू से जीरो, तो क्या आएगा माइनस टू एक्स पाई बाई टू से जीरो, तो ये आ गया बच्चों पाई, ओनली पाई, इसे लिमिट रखोगे तो आंसर क्या आ गया पाई, इजी। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम कर चुके हैं सारी चीज, बस लिमिट्स को कैसे अरेंज करना है इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रही है, साथ में साइड बाय साइड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, उससे पहले आप जल्दी से इसको उतार लें।